फाइव सीसी का टीम कौन तो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? अबे चुप। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइस थोड़ी सी धूप ज़्यादा है, तो चलिए आप देख सकते हैं मेरे पास, मेरे सामने खड़ी है TVS की रेडर 125। और तो चलिए सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक, चलिए सबसे पहले आप इसका एक लुक देख लीजिए। यहाँ पे फ्रंट में आपको TVS का लोगो मिल जाता है, 3D लोगो, और यहाँ पे आपको रेडर का लोगो मिल जाता है। फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको LED DRLs मिल जाते हैं, और 3 सेटअप में इसका जो है LED लाइट्स दी गई है, तो नाइट में काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। और इंडिकेटर्स देख सकते हैं एकदम नॉन फ्लेक्सिबल है, हालांकि बाइक के हिसाब से जो है इतनी ज़्यादा जब LED दी गई है तो इंडिकेटर्स भी LED के साथ साथ एक हज़ार्ड फ्लैशर दे देते हैं, तो काफ़ी मज़ा आ जाता। तो इग्निशन चालू करने पे देख सकते हैं इसका LED जो है वो ऑन हो जाता है। नीचे देख सकते हैं आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं, और उसके नीचे आता हूँ तो मैं यहाँ पे आप ब्रेक्स देख सकते हैं, आपको डिस्क और ड्रम दोनों का ऑप्शन मिलता है। तो ये डिस्क वेरिएंट है, फ्रंट में आपको डिस्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 17 इंचेस के अलॉयज मिल जाते हैं, और टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 80x100 का आपको टायर देखने को मिल जाता है। 17 इंचेस के फ्रंट और रेयर दोनों में आपको अलॉयज देखने को मिल जाते हैं। TVS के टायर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ सबसे प्यारी चीज़ जो है वो ये देख लीजिए, इंडिया का फ्लैग भाई, जो स्टिकर यहाँ पे बना हुआ है। और साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक हॉर्स का TVS का लोगो बना हुआ आपको दिख जाता है। और टैंक देख सकते हैं इसका काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी वाइड लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं रेडर का एक 3D लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे TVS की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है इंजन पे। और इसका अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस बताना आपको भूल गया हूँ, तो इसका ग्राउंड 180mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो काफ़ी मतलब सही चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है, यहाँ पे इंजन गार्ड आपको नीचे काउल, इंजन काउल मिल जाता है। और इसका आप एग्जॉस्ट नोट देख सकते हैं, काफ़ी बल्कि है, और इसका एग्जॉस्ट नोट अभी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ, बहुत ही मतलब प्यारा है। रेयर में आप देख सकते हैं आपको 100 सेक्शन का TVS का टायर मिल जाते हैं। रेयर में आपको जो है वो सिर्फ ड्रम ब्रेक्स ऑप्शन देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पे आप सस्पेंशन देख सकते हैं, आपको रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, जो 5-स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी सही चीज़ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप LED टेल लाइट मिलती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है जो। और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, लेडी फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, पिलियन फुटरेस्ट और राइडर का फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। राइट में भी आपको रेडर का जो है 3D लोगो देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी खूबसूरत लगती है बाइक हर एंगल से। और अगर मैं इसके सीट्स की बात करूँ तो सीट्स देख सकते हैं काफ़ी वाइड है, काफ़ी वेल कुशनड है राइडर के लिए भी, और पिलियन के लिए भी आप देख सकते हैं काफ़ी वाइट सीट है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और स्प्लिट सीट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, और ग्रैब रेल्स देख सकते हैं प्रॉपर आपको यहाँ पे ग्रैब रेल्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए आते हैं भाई इसके मीटर की तरफ। तो यहाँ पे आप मीटर देख सकते हैं इसका, फुल्ली LED मीटर देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी धूप ज़्यादा है तो हो सकता है मीटर जो है वो उतना क्लियरली विजिबल ना हो, मैं कोशिश करूँगा कि दिख जाए। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको RPM रेंज देखने को मिल जाता है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, ओडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी जो आप सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, टॉप स्पीड भी जो आप अचीव किए रहते हैं वो भी इस बाइक में रिकॉर्ड हो जाती है, लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन का आपको यहाँ इंडिकेशन देखने को मिलता है, और ये बाइक साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ आती है, और डिस्टेंस टू MT भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एकदम मिल जाती है ऑन पॉइंट, बस यहाँ पे आपको कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आई थिंक नहीं मिलती है। और गाइस इसके जो मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो काफ़ी प्रीमियम लगती है ये, और 125cc की मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट लव्ड बाइक है। और इसके स्विच देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो मोड भी मिल जाता है, इको मोड और पावर मोड,
जैसे ही आप स्विच करते हैं तो ये मीटर में शो करता है, और यहाँ पे पास की स्विच आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ हाई बीम, लो बीम, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ हॉर्न की स्विच। हॉर्न भी डिसेंट सा है। और तो भाई सबसे जो है कंट्रोवर्सी में रहती है इसका जो है वो आप कह सकते हैं फेस या थोबड़ा, भाई देसी भाषा में बोला जाए तो थोबड़ा इसका। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनने लगता है रे, ऐसा ना। तो काफ़ी लोग को बहुत पसंद आता है, काफ़ी लोग को बिल्कुल नहीं पसंद आता है, तो ये एक फ्रेश लुक है। मुझे भी ओके ओके सा लगता है, बहुत ज़्यादा भी इम्प्रेसिव नहीं लगता है। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, आपको यहाँ चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं चला रहा हूँ TVS Raider 125 2022 एकदम लेटेस्ट एडिशन। तो गाइस अगर आप इस नवरात्रि या दिवाली कोई भी अगर 125 cc की बाइक लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। तो चलिए भाई, एक तो सबसे पहली बात ये देख सकते हैं ये इको मोड लगा है, तो भाई अपने लिए तो पावर मोड बनता है। तो चलिए स्विच कर लेते हैं पावर मोड की तरफ। और ब्रेकिंग इसकी कमाल की। तो काफ़ी लोग भाई कहते रहते हैं कि 125 cc का किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग। तो मैं आपको बता देता हूँ 125 cc का ये है किंग कॉन्ग। और तो ये देख सकते हैं, अगर मैं इसकी सिटिंग पोस्चर की बात करूँ तो मैं एकदम तो ये नहीं कहूँगा कि एकदम अपराइट बैठा हूँ, बट हाँ मैं थोड़ा सा हल्का स्पोर्टी पोस्चर में बैठा हुआ हूँ। और सिटी में मनूवर करना है बहुत इजी, और क्या पावर डिलीवरी है, और बहुत स्मूथ ब्रेकिंग, इतनी बढ़िया कि पूछे मत। तो इनफैक्ट मैं अभी पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ और इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, और इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी है कि सिटी में जिगजैग करना और मनूवर करना एकदम इजी है, आराम से आप बाइक जो है वो निकाल सकते हैं। देख रहे हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक है फिर भी फिल्टर करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत इजीली एकदम। तो गाइस अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको 124.8 cc का इंजन मिल जाता है, जो एयर एंड ऑयल कूल्ड है FI इंजन आपको मिलता है, जो 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, 1 डाउन एंड रेस्ट अप। तो अगर इसके इंजन की पावर की बात की जाए तो ये 11.2 PS की पावर जनरेट करता है 7500 RPM पे, एंड 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है ये 6000 RPM पे। और अगर इसके कब वेट की बात की जाए तो ये करीब करीब लगभग 123 किलो के कब वेट के साथ आती है। तो पावर टू वेट रेशियो देखा जाए तो बहुत ही सही है, और मतलब क्या खींच रहा है इसका इंजन, मैं फोर्थ गियर पे भी हूँ और क्या ही कहा जाए, बहुत स्मूथ, बहुत पावरफुल। तो चलिए इसका एक गियर चैलेंज भी ट्राई करते हैं, देखते हैं ये हर गियर में कितनी जाती है। तो पहले यहाँ पे एकदम डाउन कर लेते हैं, और ये देख सकते हैं मैंने लगा दिया है फर्स्ट गियर, तो ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर भी ट्राई करते हैं फर्स्ट गियर पे, देखते हैं कितनी जाती है। 38, और ये मैं पावर मोड में हूँ सेकेंड गियर, 59 सेकेंड गियर, 39 इतना ज़्यादा है कि थर्ड गियर टेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। और गाइस अगर इसके माइलेज की बात करते हैं तो भाई जिस तरह से मैं अभी चला रहा हूँ तो उस तरह से आपको बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा आराम से चलते हैं तो ये लगभग सिटी में आपको इस तरह ट्रैफिक्स में करीब करीब 50-60 KMPL का आपको ये एक अच्छा माइलेज प्रोवाइड करती है इस परफॉर्मेंस में भी। और इसका एग्जॉस्ट नोट मतलब क्या बेसी लगता ही नहीं है भाई, ये 125 cc की बाइक है, इसका एग्जॉस्ट नोट और क्या पावर पैक परफॉर्मेंस डिलीवरी करती है।
और इतनी छोटी सी, इतनी कॉम्पैक्ट सी। TVS अब पहले से जो है, आप, मैंने TVS की स्कूटी भी चलाई है एंटॉर्क, और अपाची तो नहीं, अभी भी अपाची में वाइब्रेशंस है, लेकिन ये रेडर बहुत स्मूथ इंजन है इसका। तो चलिए एक बार चेक करते हैं फिर से, मैं सेकंड गियर में हूँ, पावर मोड 59। तो थर्ड गियर में ये मेरे ख्याल से लिमिटर तो वो हिट नहीं किया, लेकिन शायद मैंने देखा है 79 के अप्रॉक्स जा रही है। मिरर्स देख सकते हैं काफी वाइड है, काफी अच्छा आपको बैक में जो है वो व्यू प्रोवाइड कर देते हैं। और सस्पेंशन सेटअप देखिए बहुत ही अच्छा, रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, तो सिटी के हिसाब से एकदम कंफर्टेबल रहेंगे। और मतलब एक बहुत ही प्रीमियम ये फील होती है 125cc के हिसाब से, और TVS है, जैसे आपको लगता है कि आप TVS की बाइक नहीं, आप होंडा की बाइक चला रहे हैं इस हिसाब। से ये इतनी प्रीमियम फील होती है। और गैस सब लोग जो बेसिक चीज पूछते रहते हैं वो है इसकी ऑन रोड प्राइस, तो प्राइस इसकी जो है लगभग 1,12,000। मैं वाराणसी की बात कर रहा हूँ, टॉप वेरिएंट, और प्राइस जो है वो वैरी कर सकता है डिफरेंट सिटीज़ में। और ब्रेकिंग इसकी कमाल की, सबसे अच्छा कॉम्बी ब्रेक, मैंने बहुत सी जो नई बाइक्स आ रही हैं वो चलाई हैं, तो कॉम्बी ब्रेक्स रहते तो सब में है लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, लेकिन इसका कॉम्बी ब्रेक सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं देखिए पिछला ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ और एकदम अच्छा रिस्पॉन्स फीडबैक मिल रहा है सिर्फ पिछले ब्रेक से ही, और आगे का फ्रंट डिस्क तो क्या ही कहना। तो गाइस चलिए मैं इसकी आपको सीट हाइट दिखा देता हूँ। तो मेरी हाइट जो है वो लगभग 5'8" है, तो देख सकते हैं मेरे दोनों पैर एकदम आराम से ज़मीन पे आ जा रहे हैं, और मैं चाहूँ तो आराम से खड़ा भी हो सकता हूँ। तो कोई शॉर्ट राइडर भी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बाइक बहुत लाइट वेट है, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा चला के। तो गाइस होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।